वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी आधारित खेती दी गल करेगी सारे मसले हल। ये होका 1991 तो वीर अवतार सिंह जी फगवाड़ा, इन्हां दी टीम डॉक्टर चमन लाल जी विशिष्ट, इन्हां वल्लों पंजाब दे कोने कोने अंदर जाके दिता जा रहा। तो असी दरबारे खालसा वल्लों यूम ऐप दे राहीं पिछले लगभग 1.5-2 साल तो पंजाब के किसानों नाल लगातार राबते चा। अज असी इन्हां दे इत्थे प्लांट दे विच पहुँचे सी, जो फगवाड़ा गुड ग्रो क्रोपिंग तकनीक दे नाल खेतीबाड़ी करदे आ। कुदरती जिहड़ी कह लो विज्ञानक ढंग दे नाल जिहड़ी खेती की जाती है गुरु महाराज सच्चे पातशाह दी गुरबाणी तो सीध लैके। इत्थों थोड़ा जिहा मैं डेमो इन्हां ने जिहड़ा मैं दिखाउण लग्गिया, आ कमाद बीजिया होया। तुसी एक पोरी इन्होंने लाई है, किन्नियां शाखावां बन चुकियां ने, 4 फुट फर्क है इहदा। एक पोरी जदों बीजी, दूजी पोरी गन्ने तो गन्ने की बिजाई समय 4 फुट का फर्क रखा गया। किन्नी तरीक नूं बीजिया सी जी? 7 अगस्त नूं बीजिया होया, तो अज नवंबर 10 होया। तो वेखो इन्हां ने एक किन्ना, मतलब कह लो भी इन्हां दा फैलाव हो चुकिया, किन्नियां शाखावां बन चुकियां ने। तो जदों एक कमाद बढ़ाई तक जाना पक्कना, तो नवा रिकॉर्ड आ जिहड़ा इन्होंने पैदा करना, बड़ी कह लो भी घट लागत ते किसान आ जिहड़े वो अपनी आमदन कर सकते। अज अजोके हालातों के चारे पासे किसानी है जिहड़ी पिस रही आ, जिथे कारपोरेट की मार आ उत्थे नकली बीजा का रौला पै रहा, स्प्रेहां का खादा का रौला पै रहा। पर जिहड़ी आ वीर अवतार सिंह हुणां दी हिम्मत आ, मैं बार बार अपने धार्मिक समागमों में भी बेनती करता हुंना कि जे असी इस तकनीक नूं अपना लईए, सरकारां तों ना झाक करिए। आपां किसान यूनियन वाले एक गल कहिंदे हुंदे आ कि किसानां तों ना, सरकारां तों ना झाक करो, अपनी राखी आप करो। पर इहनूं इंप्लीमेंट करना पैणा सानूं अपने जीवन अंदर। ते जरूर जिन्ने भी तुसीं किसान भरा पंजाब दे वीडियो वेखोगे, जरूर तुसीं अवतार सिंह फगवाड़ा होणा दी टीम दे नाल राबता कायम करियो। अज उड़मट टांडे तों बाबा गुरदयाल सिंह जी उड़मट टांडे वाले, वह भी अपनी टीम समेत आए सी, उहनां दा बलाचार समागम सी, उह चले गए जल्दी सी। उन्होंने भी सारिया चीज़ों वेख्या से, उन्होंने बेनती की सी आने वाले टाइम के उड़मट टांडे भी किसानी सत्संग रखी जानी आ। तो किसानों इस तकनीक बारे समझाने लिए 6 ग्राम बीज के नाल 1 किला सरों का बीजा जाता, 70 गन्न 1 किला कमाद का बीजा जाता। तो इसलिए सानू सबसिडिया की लड़ नहीं, सानू रेह स्प्रेहां की लड़ नहीं, सानू 10-10, 15-15 ही थां 25-25, 30-30 दी मोटर पाने की लड़ नहीं, क्योंकि पानी की भी बचत आ, बीजा की भी बचत आ, खाद स्प्रे की लड़ कोई नहीं। तो सिर्फ अपना तकनीक बदल लीए, ढंग बदल लीए, युग तो यह अपना लीए, तो भविख साढ़े पंजाब का रोशन होएगा, असी अपनी होंद बचा सकेंगे। सो वीर अवतार सिंह जी उन्होंने बेनती भी 2 मिनट जरूर तुम भी विचार साझे करो। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। जिस तरह तुम देख रहे हो किसान वीरों के जरा धड़ेता पिंड डेमो लगा हुआ गन्ने का, ये जिहड़ा हैगा पोरी तो पोरी 4 फुट है, तो जिहड़ा हैगा रो टू रो आ कतार तो कतार का फासला वो 4.5 फुट आ। तो ये गन्ने के बीज की बचत भी बहुत आ, पानी की बचत भी बहुत ज़्यादा। तो ये सारा का सारा जिहड़ा हैगा गुरबाणी तो सीध ला के काम किया जा रहा। तो ये जीवन के जिहड़े 5 तत् आ उन्हां दा कारगर प्रबंध आपां किदां करना, ये आपां नूं समझने की लोड़ आ। जिस वक्त आप सारा कुछ समझ जावे तो जी सा खेती है वो DAP की लड़ नहीं पेगी, यूरी की लड़ नहीं पेगी। कहने का मतलब की है जिन्ना भी है बाहरी सपोर्ट है, अननैचुरल सपोर्ट है, वो किसी की भी यानी कि जरूरत नहीं पैनी। जोड़ा साडा प्रोड्यूस है, जी सा उपज है, वह भी जहर मुक्त हो जाएगी। तो जो साढ़े कुदरती साधन है उन्होंने बहुत वीड्डी पद्धर से बचत होगी। साड़ी जी एनर्जी है, जिस तरह डीजल है, जिस तरह बिजली है, वो भी बहुत ही ज़्यादा बेतहाशा बचत होगी। तो आओ आप सारे रल के इस जोड़े है जीवन के 5 तत् है उन्होंने आप किस तरह वह कारगर प्रबंध करना इनू समझिए, आप समझ के अपनी काश्तकारी के उतारीए, अपना जोड़ा भविख है वनू बेहतर बनाइए। आओ आप सारे रल के इस पास हमला मारीए। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।